सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम लोग करंट अफेयर्स। जून मंथ का जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम लोग टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप समझते चलिएगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर देने का प्रयास आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की जो थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और देखिए, 2019 का जो थीम थी क्लाइमेट एक्शन थी, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संयुक्त रूप से 2020 में आयोजित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का क्या नाम है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन के बात में कहे थे, संबोधन किए थे, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किए थे। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माई लाइफ माई योगा। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2020 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स। तो देखिए, 2020 में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया था, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन योग के लिए 2020 के वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भारतीय प्रतियोगी को प्रथम पुरस्कार के लिए कितने मूल्य दिए जाएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो प्रथम था उसको 1,00,000 मिलेगा और जो द्वितीय स्थान मिलेगा उसका 50,000 और जो तृतीय स्थान पे होगा उसको 25,000 मिलेगा। तो सबको ध्यान में रख लीजिएगा आप। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन डेयरी किसानों को सरकार कौन सा कार्ड उपलब्ध कराएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेयरी किसानों को सरकार क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोरोना में जनता को अस्पतालों की जानकारी देने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या लॉन्च किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो देखिए, दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप का लॉन्च किया, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सार्वजनिक बैंकों ने कितने करोड़ के कोलेटरल लोन मंजूर किए, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3200 करोड़ रुपए का कोलेटरल लोन मंजूर किए थे, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कोविड-19 से मुकाबले के लिए 30 देशों ने कौन से पूल की शुरुआत की है, तो कोविड-19 से मुकाबले के लिए
टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल की शुरुआत की। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हर साल विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। यह प्रथम कब मनाया गया था, यह 2018 में, 3 जून 2018 में प्रथम विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए भारत किस देश के राफेल लड़ाकू विमान की खरीद करेगा। तो भारत राफेल लड़ाकू विमान की खरीद फ्रांस से करेगा, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त का नाम बताइए। तो यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त गायत्री आई कुमार, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गायत्री आई कुमार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य में COVID-19 से बचाव के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लरों में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तो देख लिए, सैलून और ब्यूटी पार्लरों के आधार कार्ड अनिवार्य तमिलनाडु सरकार ने कर दिया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्यालय देश है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखिए, हर बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और इसकी इस बार थीम थी टाइम फॉर नेचर, इसकी थीम थी 2020 की थीम थी टाइम फॉर नेचर। यह प्रथम बार 1972 में मनाया गया था, और इसका पर्यावरण दिवस का मुख्य आयोजक देश कोलंबिया है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, कोलंबिया। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म हुगली रेलवे स्टेशन पे बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। पहले यह 550 मीटर का था, उसके बाद यह 1400 मीटर का बनाया जा रहा है। और देखिए, वर्तमान में हमारा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म जो है गोरखपुर, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है, तो इस समय बन रही है 1400, तो हुगली रेलवे स्टेशन। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को मुफ्त इंटरनेट की घोषणा किस राज्य ने की है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, मुफ्त में इंटरनेट वो केरल राज्य दे रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, केरल। और देखिए, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो देखिए, भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, और यह विश्व में 60वें नंबर पे आता है, विश्व में
60वें सबसे महंगा शहर है और भारत में प्रथम सबसे महंगा शहर है। और जो सबसे सस्ता है वो बेंगलुरु है। भारत का सबसे सस्ता शहर बेंगलुरु और सबसे महंगा शहर मुंबई। तो दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए आप लोग। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। यह प्रथम बार 2002 को मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय खेल मंत्रालय किस स्टेडियम का पुनर्विकास करेगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए, केंद्रीय खेल मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली का पुनर्विकास करेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति फीफा और विश्व एथलेटिक्स के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। और यह देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में इसी में हुआ था, इसी स्टेडियम में, तो अच्छे से सबको समझ लीजिएगा। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाल ही में पंचवटी योजना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवटी योजना की शुरुआत की है किस राज्य सरकार ने? तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14 जून 2020 को जिस प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुशांत सिंह राजपूत, इम्पोर्टेंट है, का निधन हुआ, वे किस क्या थे, वो मतलब किससे जुड़े थे? तो इम्पोर्टेंट है, इनका चर्चा आप सुने ही होंगे, सुशांत सिंह राजपूत का बहुत चर्चा में थे। तो सुशांत सिंह राजपूत तो यह अभिनेता थे, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अभिनेता। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हर साल 14 जून को मनाया जाता है। और देखिए, 2020 में इसकी थीम क्या थी? सुरक्षित रक्त बचाइए जीवन, इसकी थीम थी, सुरक्षित रक्त और बचाइए जीवन, 2020 की थीम थी। और विश्व रक्तदाता दिवस सर्वप्रथम 2014 को मनाया गया था, तो सबको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांवों में औषधीय पौधों वाली कोविड वाटिकाएं, इम्पोर्टेंट है, विकसित करने की योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है? तो यह हरियाणा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, हरियाणा। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, COVID-19 महामारी से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने कौन पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो देखिए, COVID-19 महामारी से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, आरोग्य पथ पोर्टल, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के लिए मध्य रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए रोबोट का नाम बताइए। इम्पोर्टेंट है तो रोबोट का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो जो लॉन्च किया गया रोबोट है वो कैप्टन अर्जुन है, ऑप्शन सी से होगा। यह किसी भी यात्री का तापमान 0.5 सेकेंड पे मापेगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की जो पहली महिला है वो कैथी सुलिवान है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैथी सुलिवान। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य, इम्पोर्टेंट है भी। तो देखिए मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स 23 जून को मनाया जाता है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1894 पेरिस में हुआ था। और देखिए ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 से मनाया जा रहा है, 1948 से मनाया जा रहा है, तो दोनों को ध्यान में रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट ये भी है। तो हर साल विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 21 जून। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए स्वीकृत की? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 445 करोड़ की, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 445 करोड़। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली पहली निजी कंपनी का नाम क्या है? तो इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली पहली कंपनी जो है स्पेस एक्स है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।